हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। आज है 27 सितंबर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर एक पे। क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में किसे एशिया मनी 2021 पोल द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा को चुना गया है। HDFC बैंक का स्थापना अगस्त 1994 में हुआ है। इसके द्वारा महिला उद्यमी उन्नति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। SBI देखते हैं, 1 जुलाई 1955, इसका स्थापना 1 जुलाई 1955। इसके द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना चलाया जा रहा है। RBI बैंक यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, बंधन बैंक, ये भारतीय थल सेना के लिए सरी वेतन खाता इसने स्टार्ट किया है। देखते हैं अगला इसके बारे में कुछ। HDFC बैंक लिमिटेड का प्रतिष्ठित प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। बैंक ने 2018 के बाद लगातार चौथे वर्ष भारत के बैंकों के बीच नंबर एक स्थान प्राप्त किए हैं। एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पॉल को वित्त प्रदर्शन, निवेशक संबंध और CSR पहल जैसे क्षेत्र में सूचीबद्ध कंपनी को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपुल्स काउंसिल द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर भास्कर शर्मा को किया गया। शैलेंद्र सिंह, ये कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरिके सिंह को प्रदान 2021 का। 2020 का खाद्य पुरस्कार रतन सिंह को दिया गया है। मैनगिरी रेंजर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। देखते हैं इसके बारे में कुछ। वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपुल्स काउंसिल ऑफ WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने डॉक्टर भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भास्कर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक है। WAC पीपुल्स काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र आधारित और गैर लाभकारी फाउंडेशन है जो कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के तरफ पंजीकृत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE ने किस संस्थान के साथ मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य की शुरुआत करेंगे? तो ये IIT गांधीनगर। देखते हैं इसके बारे में कुछ। CBSE ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणाओं को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 26 सितंबर 2021 से प्रत्येक शनिवार 330 एकलव्य का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषय पर आधारित होगा और दिलचस्प प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक समझ में मदद करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा IPL 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह केरल के द्वारा की गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा 100% गैस सिलेंडर हर घर तक पहुंचाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ। केरल स्टार्टअप मिशन ने अपने प्रमुख IEDC इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक इनोवेटर्स प्रीमियम स्लिंग IPL 2021 लॉन्च किया है। IPL छात्रों और संस्थानों को परंपरागत विचारों के साथ साथ प्रयोग करने के लिए एक सरल शिक्षण मंच प्रदान करना चाहता है। लिंग 18 सितंबर 2021 को शुरू की गई और 30 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये शेफाली जुनेजा बनी है। नागोजी इंकजा इवेला, ये WTO के महानिदेशक है जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। पैट्रिक अमोद WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है। टेड्रोस ये डब्ल्यू एच ओ के महानिर्देशक है। देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ। वरिष्ठ नौकर साई शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इस राजनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय राजस्व सेवा में 1992 बैच के अधिकारी जुनेजा ने 2019 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो ये 2022 तक बन जाएगा। 2025 मलेरिया मुक्त राज्य, ठीक है, 2023 दलहन वर्ष घोषित 2023 को किया गया, 2024 हर घर नल जल वाला राज्य, हर घर जल नल पूरा करने का ये थी है। ठीक है,
देखते हैं इसके बारे में कुछ। भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बनने की राह पर है, ठीक। नए परीक्षण किए गए संस्कृत खाद्य नमूने में से केवल 1.34% में उच्च वसा एवं अवयवों के अनुमेय स्तर से अधिक वसा पाई गई है। उपयुक्त निष्कर्ष भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य नियामक FSSAI, इसका फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, द्वारा किए गए हैं अधिक भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे एवं लिम्फोमा दिवस मनाते हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ। हर वर्ष सितंबर के आखिरी रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, सितंबर के आखिरी रविवार को, याद रखिएगा, ठीक। 2005 में संयुक्त राष्ट्र के हमारे जल संसाधनों की बेहतर देखभाल की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए वाटर फॉर लाइफ डिकेड की शुरुआत की है। यह दिन पृथ्वी के जलमार्ग को जश्न मनाता है, जिसे हर वर्ष 60 से अधिक भोग भाग लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष समन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह उत्तराखंड राज्य, पश्चिम बंगाल, ये पॉलिनेटर पार्क या जो है लाइकेन पार्क, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल माँ कैंटीन योजना, इसके द्वारा शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ। उत्तराखंड वन विभाग ने एक मानव वन्यजीव संघर्ष समन परियोजना शुरू की है, जो विभिन्न उपायों को लागू करेगी। 18 करोड़ से अधिक की लागत से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 280 किलोमीटर से अधिक की लंबी बाड़ लगाई जाएगी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए कंपा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत 39.7 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट नियुक्त किया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को किया है। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है। महेंद्रगिरी रेंजर अवार्ड धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम महिला महानिदेशक है, ठीक है। सोमा मंडल ये सेल का वर्तमान में अध्यक्ष है। सेल का स्थापना कब हुआ है? 1974 में हुआ है, ठीक है। देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट नियुक्त किया है। उन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले नियुक्त किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के खीरे को जीआई टैग मिला है? खीरे को जीआई टैग नागालैंड राज्य ने प्रदान किया गया। हरमल मिर्च ये गोवा जीआई टैग गोवा राज्य के द्वारा दिया गया। बिहार जरदालू आम पश्चिम बंगाल ये दार्जिलिंग की चाय। देखते हैं इसके बारे में। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को हाल ही में 1999 के जूलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के कृषि उत्पाद के महत्व भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया। यह कैलोरी में कम पोटेशियम और जल में उच्च होते हैं और स्पोर्ट्स ड्रिंक के विकल्प में रूप में कार्य कर सकते हैं। झूम कृषि के लिए महत्वपूर्ण घटक फसल में से एक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।